Assalamu alaikum everyone, my name is Safa Maqsood and I am from University of Sialkot from Base Clinical Psychology Department. In this video, I will discuss about specific phobia that what is specific phobia. Here are the contents, introduction, etiology, subtypes of specific phobia, symptoms, risk factors and treatment. So start from introduction. Specific phobia is an intense fear of something that poses little or no actual danger. Specific phobia is a type of anxiety disorder. फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोबिया दैट वट इज़ फोबिया फोबिया हमारा खौफ या डर जो हमारे साथ एक लॉन्ग टाइम से चलता हुआ आ रहा है वो फोबिया होता है अक्सर लोग फियर और फोबिया को मिक्सअप कर देते हैं बट दीज टू आर डिफरेंट थिंग फीयर एक सिचुएशन या ऑब्जेक्ट से हम लोगों को खौफ या डर होता है वो एट द सेम टाइम ख़त्म हो जाता है लेकिन फोबिया में क्या होता है कि वो हमारे साथ एक लॉन्ग टाइम से चलता हुआ है जिसको हम लोग ओवरकम नहीं कर पा रहे स्पेसिफ़िक फ़ोबिया किसी भी एक खास चीज़ को लेकर फोबिया किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर हमारा खौफ स्पेसिफ़िक फ़ोबिया होता है स्पेसिफ़िक फ़ोबिया के अंदर हमारे इतना लिटिल डेंजर uh, होता है नो एक्चुअल डेंजर मतलब इतना वो खौब इतना वो फियरफुल नहीं होता जितना हम उसको इमेजिन कर लेते हैं ऑल दो एडल्ट विथ फोबिया मे मेरे दैट दीज फियर्स आर इरेशनल ऑल दो एडल्ट को ये नो हा होता है कि दीज फियर्स आर इैशनल दे आर नॉट डेंजरस फॉर आस बट वी कैन नॉट ओवरकम इट फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रीव एन्जाइटी यू मे फील वन गिविंग स्पीच और टेकिंग अ टेस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी हम लोग के एक स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको एन्जाइटी uh, होती है अबाउट देयर क्लास प्रजेंटेश वो उस सिचुएशंस में जब जब जाते हैं वो अपने आप को एनजाइटी फील करते हैं अपने अंदर वो उनको लगता है कि सारे स्टूडेंट्स का उन पर फोकस है और वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं एटियोलॉजी दैट वट आर द एग्जैक्ट कॉज ऑफ स्पेसिफिक फोबिया दैट इज अनोन हाउ एवर सम थीरी द स्पेसिफ़िक फोबिया मे ऑल्सो डिवेलप ड्यू टू एन एसोसिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन विद इमोशंस के हमारी एसोसिएशन हो जाती है हमारी एसोसिएशन विद अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट और सिचुएशन और हम लोग जब जब उस सिचुएशन और उस ऑब्जेक्ट को अपने सामने देखते हैं तो हमारे अंदर एन्जाइटी होना शुरू हो जाती है या डिवेलप या हमारे अंदर एक फियर होना शुरू हो जाता है हम लोग पैनिक करना शुरू कर देते हैं उस सिचुएशन में

फॉर एग्ज़ाम्पल सब वन इज़ फेसिंग सोशल एन्जाइटी जब वो क्राउडिड प्लेसेज देखते हैं उसको एकदम से एन्जाइटी होना शुरू हो जाती है ये क्लासिकल कंडिशनिंग होती है सेकेंड इज़ मॉडलिंग इन विच पर्सन ऑब्जर्वस अ रिएक्शन इन अनदर पर्सन इंटरनालाइजेज दैट परसन फीयर्स और वार्निंग्स अबाउट द डेंजर्स अब क्लासिकल कंडिशनिंग में इंडिविजल ने वो चीज़ ख़ुद फ़ेस की है वो सिचुएशन ख़ुद फ़ेस की है तो उसकी वजह से उसको फोबिया हुआ है बट इन मॉडलिंग वो जो इंडिविजुअल है उसने अदर पर्सन को देखकर अदर इंडिविजुअल को देखकर अपने अंदर कोई फोबिया डेवलप कर लिया उसके नेगेटिव एक्सपीरियंसेस देखकर या उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस देखकर अपने अंदर वो फोबिया डेवलप कर लिया उसके साथ वो फ़ोबिया पहले से चलता हुआ नहीं आ रहा था लेकिन उसने उस इंडिविजुअल को देखा उस सिचुएशन में उसके कॉन्सिक्वेंसेस उसके रिएक्शन देखे और उसने अपने अंदर वो चीज़ डिवेलप कर ली What are the subtypes of specific phobia? There are many uh, subtypes of specific phobia, but here are few animal phobias, phobia, phobias of natural uh, environment, situational phobia, body based phobias, and other phobias. अब एनिमल फोबिया में हम लोगों को जानवरों का डर होता है नेचुरल एनवायरनमेंट का हम लोगों को फोबिया होता है फोबिया ऑफ हाइट्स वाटर्स टनल्स एस्केलेटर्स सिचुएशनल फ़ोबिया में हम डॉक्टर्स uh, के पास जाना अवॉइड करते हैं क्योंकि uh, हम लोगों को लगता है कि वो इंजेक्शन लगाएंगे तो हम लोगों को उस चीज़ से डर आता है तो हम उस सिचुएशन को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं एयरपोर्ट्स को अवॉइड करते हैं क्योंकि प्लेन से डर लगता है स्मॉल स्पेसिस को अवॉइड करते हैं कि दम घुटना शुरू हो जाता है तो हम उस चीज़ को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं वट आर द सिम्टम्स ऑफ स्पेसिफिक फोबिया रेपिड हार्ट रेट ट्रबल ब्रीथिंग चेस्ट पेन और प्रेशर एक्सेसिव स्वेटिंग जब जब हम उस सिचुएशन में जाते हैं हमारे सिम्टम्स शो होना शुरू हो जाते हैं कि दैट वी आर गेटिंग ट्रबल ब्रीथिंग एक्सेसिव स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है सडन फ्लैशेज आना शुरू हो जाते हैं हम लोग को चेल्स आना शुरू हो जाते हैं हम डिजीनेस फील करते हैं दैट नाउ वट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ स्पेसिफिक फोबिया एज स्पेसिफिक फोबिया कैन फर्स्ट अपीयर इन चाइल्डहुड यूजअली बाई टेन बट कैन अकर लेट इन लाइफ एज आ जाती है रिस्क फैक्टर में हम लोग देखते हैं कि एज क्या है इंडिविजुअल की उसको स्पेसिफिक फोबिया कब फील होना शुरू हुआ एज देखते हैं हम लोग जेनेटिक्स एंड रिलेटिव इफ़ यू हैव फैमिली हिस्ट्री यू मे यू आर एट रिस्क दैट यू विल डिवेलप स्पेसिफिक फोबिया टेम्परेमेंट नेगेटिव एक्सपीरियंसिस के आपको उस सिचुएशन से पहले खौफ नहीं था लेकिन जब आपने उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस देखे आपने वो अपने अंदर डिवेलप कर लिया फ़ोबिया Now what are the treatments of specific phobia? The first is cognitive behavioral approach. It includes reinforcing the realization that the phobic stimulus is safe. जब आप आपके अंदर specific phobia diagnosed हो गया, आपको पता चल गया, आपको एक particular चीज़ का डर है, जब आपने प्रे psychologist को या आपने doctor को approach किया तो जब वो treatment देंगे तो उसमें सबसे पहले treatment क्या आएगा आपके पास cognitive behavioral approach. इसमें आपके जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो आपको इंश्योर करवाता है आपकी सेफ्टी वो आपको सिचुएशन को फेस करने के लिए बोलता है कि योर फोबिक सिचुएशन और स्टीबेंस इज सेफ फॉर यू नथिंग कैन हार्म यू द सेकेंड वन इज़ फ्लडिंग इट ऑल्सो नोन एज इम्प्लोजन इज अन अदर बिहेवियर टेक्निक दैट कैन यूज टू ट्रीट स्पेसिफिक फोबियाज अब ऑगनेटिव बिहेवियर में आपको पहले से उस चीज़ का नोहाव होता है कि यू हैव टू फेस दिस सिचुएशन बट इन फ्लडिंग ये एक रैपिड एक्सपोजर होता है टू द फोबिक सिचुएशन और फोबिक स्टिमुलस द गोल ऑफ ऑल थेरेपी इज टू हेल्प द पेशेंट रिकोगग्नाइज दैट द फीयड स्टिमुलस इज नॉट डेंजरस एंड टू प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट अब जब आपका क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर आपको आपके ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहा है तो उसका गोल क्या होता है कि आपको उस सिचुएशन या उस फोबिया से आपको ओवरकम करना सिखाए आपकी इमोशनल सपोर्ट आपको दे कि यू आर सेफ और आप जब तक ख़ुद इस चीज़ से ओवरकम नहीं करेंगे कोई भी आपको इस सिचुएशन में हेल्प नहीं करेगा कोई भी आपको गाइड नहीं करेगा यू हैव टू वर्क फॉर योर सेल्फ यू हैव टू वर्क ऑन योर फ्लोज और आपको अपने लिए ख़ुद काम करना है आपको इमोशनल सपोर्ट देते हैं साइकोलॉजिस्ट के आप सेफ हैं आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है इट्स uh, ओके okay अगर आपने कोई फोबिया डेवलप कर लिया है आपको इस सिचुएशन से डरना नहीं है या इसको अवॉइड नहीं करना आपने इसको फेस करना है दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम